रतलाम शहर, उम्मीदों को तोड़ता हुआ ये वीरान मंजर, आज से यहां पर 9 दिन का लॉकडाउन है। कोरोना बीमारी हारेगी और जिंदगी जरूर जीतेगी, पर 9 दिनों के लॉकडाउन में दुकानदारों पे क्या बीतेगी। धंधा पानी बंद, व्यापार बंद, इंसानों का घूमना फिरना बंद, सब कुछ बंद कर दिया कोरोना वायरस ने। शहर के नागरिकों के लिए तरसती हुई ये सड़कें, ना घूम रही हैं लड़कियां, ना दिखाई दे रहे हैं लड़के, सबका टाइम पास हो रहा है दैनिक भास्कर पढ़ के। हमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि अपने ही घर से बाहर निकलने पर हमें ये सोचना होगा कि कोई पुलिस का जवान चौराहे पे तो नहीं खड़ा। कैसे हालात हो गए शहर के, कौन जिम्मेदार है इन सबका। ये जिंदगी एक दंगल है, ये जिंदगी एक दंगल है, कोरोना वायरस के कारण सबकी दुकानें मंगल है, सबकी दुकानें मंगल है। नागरिकों का मेला नहीं, चाय पानी का थैला नहीं, रतलाम शहर ने ऐसा भयानक मंजर आज तक कभी झेला नहीं। अरे जैसी हालत गूंगे की, वैसी ही बहरे और अंधे की, अरे वाट लगी हर धंधे की भैया, वाट लगी हर धंधे की। ये धान मंडी का विशाल चौराहा जो हमेशा लोगों से भरा रहता था, आज डरा डरा लग रहा है। कोई यहाँ पे दिखता नहीं, कोई यहाँ पर दिखता नहीं, पर क्या करें, इंसान अपनी गलतियों से सीखता नहीं। तो दोस्तों, सबक लेना होगा आपको, हमको, हम सभी को, क्योंकि कहीं ना कहीं इन हालातों के जिम्मेदार हम लोग भी हैं। कुछ लोगों की लापरवाही के कारण पूरे शहर की वाट लगी पड़ी है। अगर वो मास्क पहन लेते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लेते, सैनिटाइज से हाथ धो लेते, तो आज शहर को इन हालातों का सामना नहीं करना पड़ता। गोवर्धन लाल वाले का मिक्सचर, गेलड़ा की सेव और महाकाल वाले की कचौरी, इस चौराहे पर हमेशा लगता था जाम, लेकिन कोरोना वायरस ने सबका लगा दिया काम। सब लोग घर में हैं, कोरोना वायरस के डर में हैं। गिरे हुए हैं दुकानों के शटर, बंद है लोगों की चटर पटर, सब कुछ बंद है शहर में, सब कुछ बंद है दोस्तों। बंद है चोमी की पुल से चांदनी चौक जाने वाला यह रास्ता, बंद है अनिल वाले की खिचड़ी, रबड़ी और सोना चांदी की दुकानें, सब बंद है दोस्तों, सब बंद है। ना चाय है, ना पानी है, ना नाश्ता है। अरे लोगों की फटके गले में आ जाती है जब पास वाला कोई खांसता है। हमेशा खचाखच भरा रहने वाला माणक चौक का ये बाजार आज पूरी तरह वीरान है। अगर चिड़िया भी उड़ती हुई दिख जाए तो उसे भी पकड़कर मास्क पहना दे पुलिस वाले भाई। ऐसे हालात है शहर के। बहुत कुछ खो दिया हमने दोस्तों, इस जीवन के मोड़ पर आइए आगे बढ़ते हैं सीधे तोपखाना रोड पर। शहर के हालात बहुत ही ज्यादा गमगीन, बंद है करणी का दूध और पतरे वाले की नमकीन। इंसान तो दूर की बात है दोस्तों,
दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा। लगता उन्हें भी कोरोना वायरस का एहसास हो गया है। बैठे होंगे किसी कोने खचड़े में छुपकर, मास्क पहनकर। इस बात का जवाब कौन देगा, मामा, मोदी जी या गांधी, के ना बिक रहा है सोना, ना बिक रही है चांदी। केवल खामोशी के अलावा कुछ नहीं है रतलाम की सड़कों पर। कौन है ऐसे हालातों का जिम्मेदार, कौन है? चोरी चोरी ये सड़कें, बंद पड़ी ये कारें, अरे बंद हो गए जुलूस और बंद हो गए नारे। कुछ भटकते हुए मुसाफिर, जरूरी सामान की आस में, जिसकी उम्मीद न के बराबर। हर इंसान का जीवन कड़ी धूप में जल रहा है। सब बैठे हैं घर में क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। कोई भी इंसान शांति से जी नहीं सकता। गन्ने का रस दिख रहा है पर पी नहीं सकता। ना फिल्में हैं, ना फिल्मों के एक्टर है। शहर की सुनी सड़कों पर घूमता हुआ ये ट्रैक्टर है। ना पूना सेठ के भजिए, ना व्यास दाल बाटी की थाली। पूरा शहर बंद है दोस्तों, पूरा शहर है खाली। शिवगढ़ और बाजना की तरफ जाती हुई ये रोड, किसी में नहीं आगे बढ़ने की होड़। एक सुनापन सा लग रहा है रतलाम शहर में। ऐसा लगता है जैसे मंजिले बोल रही है, आ जाओ मुसाफिरों, आ जाओ। के दो लाइनें और बोलूंगा भरे हुए शहर की याद में, कि अब तो मुसाफिर बाहर निकलेगा 9 दिन के लॉकडाउन के बाद में। कहाँ खड़ा है रतलाम शहर, जिंदगी के दौराहे पर। कोई भी मुसाफिर दिखता नहीं ये बाजना बस स्टैंड के चौराहे पर, जहां नागरिकों का मेला लगा रहता था। रतलाम शहर के लोगों ने इतिहास में कभी भी ऐसे हालात नहीं देखे होंगे कि पड़ोसी से भी बिना मास्क के बात नहीं कर सकता। शहर के हर नागरिक के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, कि कब खुलेगा लॉकडाउन, कब खुलेगा लॉकडाउन, और कब दौड़ेगी जिंदगी शहर की इन सड़कों पर जो वीरान पड़ी है बिना नागरिकों के। कब खुलेगी ये दुकानें जिन्हें अपने ग्राहक का इंतजार है। कब होगा रतलाम पहले जैसा हंसता खेलता, मस्ती में मस्त पोहा जलेबी खाता हुआ, हंसता हुआ गाता हुआ, यादव की चाय पीता हुआ। नमकीन का शहर ये रतलाम आज पूरी तरह से बंद है। ना नमकीन का आदान है, ना नमकीन का प्रदान है, सिर्फ सरकारी आदेशों का सम्मान है, जिसका पालन करते हुए लगा हुआ है 9 दिन का लॉकडाउन रतलाम शहर में, जिसका पालन हम सभी रतलामवासी पूरी तरह से करेंगे और अपनी सरकार का साथ देंगे और कोरोना वायरस बीमारी को दूर भगाएंगे। आप हम सभी मिलकर इसका डटकर सामना करेंगे और जल्दी से जल्दी ये बीमारी खत्म हो ये कामना करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय रतलाम।